घर हमको मिल गया है, अब हम जा रहे हैं बेल करने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? हम लोग ठीक हैं। अच्छा जी, घर से हम निकल आए हैं और हम जा रहे हैं, आप लोगों को थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा, सिस्ट्रोलॉजी से मिलने हम जा रहे हैं और अब देखते हैं कि हम कामयाब होते हैं कि नहीं। बड़ा और रियान जो है ना, वो बहुत बड़ा फैन है जैनब का, है ना? जैनब से मिलने हैं ना रियान? अच्छा, तो बच्चे हमारे बहुत बड़े जो है ना फैन है, साइज उनका छोटा है लेकिन आप लोगों के बहुत बड़े फैन है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। और आसिफ एक काम करो, रास्ते से ना वो ले लो, केक ले लेते हैं, कुछ लेके जाते हैं। अच्छा तो, वैसे हमने देखा है कि वो ना अपनी अपने फैन से मिल लेते हैं, तो हमने सोचा कि एज अ फैन हम भी मिलने की कोशिश करते हैं, तो लेट सी कि हमें उनका घर मिलता है कि नहीं और वो हमसे मिलती है कि नहीं। अच्छा, तो आसिफ उतर चुके हैं लेयर्स का केक लेने, क्योंकि हमें बहुत पसंद है और ज्यादातर लोगों को ना इनका चॉकलेट जो चॉकलेट फज केक है या चॉकलेट मूस केक है वो बहुत पसंद है, तो मैंने कहा आसिफ वही ले लेते हैं। और इन कपड़ों की ना आप लोगों ने इतनी तारीफ की है कि आज मैंने फिर वही ड्रेस पहन ली है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सब अक्सर इंस्टा पे भी मुझे कॉमेंट्स आ रहे थे कहाँ का ड्रेस है, तो ये लाइम लाइट का है, लेकिन मेरा ख्याल ये लास्ट ईयर का है, आप लोगों को मिलना कोई नहीं है, टू पीस था लाइम लाइट का, अनस्टिच लिया था मैंने। चलो अब देखते हैं कि आसिफ कौन सा केक लाते हैं। आपने खाना है केक? अच्छा, मानो से मिलना है, इकरा से मिलना है? इकरा पीसे के मानो आप पीसे भाई, इसको शर्म आती है मानो के नाम से, आप लोग देख सकते हैं। आप सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कि कौन मिलता है। मुझे जो है ना वो इकरा से पर्सनली मिलने का बहुत शौक है, क्योंकि शी इज अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर अस, कि किस तरह वो लेके चली अपनी फैमिली को और सबको, तो मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने। कौन सा फ्लेवर लाए हैं आप? मूज केक। मुझे बहुत पसंद है, फिर उनको कह रहे हमें भी खिला दो थोड़ा सा। अच्छा जी, तो सिस्ट्रोलॉजी की सोसाइटी में हम आ गए और घर अब हम ढूंढ रहे हैं, और थोड़ा बहुत हमें अता पता है वो, क्योंकि ये मेरे साथ है प्रॉपर्टी डीलर, तो हमें अंदाजा है, लेकिन घर का अभी हमें पता नहीं चल रहा, फाइंड कर रहे हैं हम लोग, का भी पता है हमें, तो बस अल्लाह करे कि घर मिल जाए और हम जिस मकसद के लिए आए हैं उनसे मिलने, वो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाए। हमें फील हो रहा है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं, अब ये है कि अल्लाह करे वो लोग घर पे मिल जाएं और हम अपने उसमें पूरे हो जाएं, तो लेट सी। और आप लोगों से शेयर करते हैं, हम मिल पाए या ना मिल पाए, और उनका बिहेवियर कैसा था और वो हमसे मिलती हैं कि नहीं। हाँ जी, घर हमको मिल गया है, अब हम जा रहे हैं बेल करने, और मेरी ना हार्ट मिलती है, ये कह रही है, आवाज भी आ रही है, बाकी राबिया की आवाज, फातिमा बोल रही है, फातिमा की आवाज आ रही है, ये घर है जी। जी अच्छा जी, फातिमा हमसे मिल गई हैं और वो जैनब को बुलाने गई हैं, क्योंकि जैनब से तो रियान ने मिलना, इकरा आपके घर पे नहीं है और हम अपने मकसद में हो गए कामयाब। बिल्कुल, इतने अच्छे तरीके से वो मिली हैं जैसे। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ही इस लहजे में इस तरीके से ये लोग अपने सब्सक्राइबर से मिलते हैं। मैंने उनको यही कहा, हम फैंस, उन्होंने दरवाजा खोल दिया, मिल लिया जैनब से। अंकल से बात कर रहे हैं। अच्छा, हमने पिक्चर्स लिए सिस्ट्रोलॉजी के साथ और वो जाके अब आप देखें। तो हम आ चुके हैं और ये हमें ना कोक और जूस भी ऑफर हुआ है भाई, इतने इतने अच्छे लोग हैं इखलाकी तौर पे कि जिसकी इंतहा नहीं, इतने अच्छे तरीके से। पहले फातिमा ने, फातिमा अपना व्लॉग ही शूट कर रही थी, व्लॉग शूट कर रही थी पार्किंग में, पहले उसमें बच्चों को भी उन्होंने लिया। हाँ, बिल्कुल, आप लोग देखिएगा व्लॉग में हम लोग आए हैं, तो फातिमा जो है ना उससे भी मुलाकात हुई है, और फिर मैंने कहा कि जैनब से मिला दे भाई मेरे बेटे को, फिर जैनब से भी मुलाकात हुई है और फैसल भाई से भी मुलाकात हुई, इतनी देर उनसे, फैसल भाई से वो ताल्लुक था मेरा पुराना के हवाले से, तो जो है ना इतनी अच्छे तरीके से उन्होंने हमें गाइड भी किया है, और कह रहे बस लगे रहो, उन्होंने पानी मंगवाया है हमें, बिल्कुल ये कोक निशानी पड़ी हुई है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया है। हालांकि हमारा ताल्लुक एक सिर्फ बिजनेस की हद तक दूर से है, कोई करीबी नहीं है, पर फिर भी उन्होंने ऐसे ट्रीट किया जैसे सगे छोटे भाइयों को समझाते हैं। और हम एज अ फैन ही उनसे मिले हैं, हमने कुछ नहीं कहा कि मतलब पहले हमने कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ एज अ फैन मिले, उन्होंने फौरन दरवाजा खोल दिया और फौरन इतनी अच्छी तरीके से बात की है। और फातिमा के चैनल पे भी देखिएगा इंशाल्लाह, वो भी हमारा लगाएंगे। अच्छा है ना, शूट किया था फैसल भाई, हालांकि आए नहीं थे, उन्हें कह के बुलाया हमने कि जी मुझे वो जानते होंगे, बरअल हम तो जानते हैं, शायद वो जानते हो,
तो अपना सारा रेफरेंस दिया तो फौरन वो बाहर आ गए हैं ना। बिल्कुल, ज़ैनब इतनी अच्छे तरीके से मुझसे कितनी देर बातें करती रही है। तो ये था जी ब्लॉग, आप बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।